और भी लोग आ जाएं, और फिर उसमें उसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आज जो हम लोग की पूरी एक क्वेश्चन सीरीज चलेगी, और ये क्वेश्चन सीरीज पूरे के पूरे कह सकते हैं 30 क्वेश्चन हम लोग ने लिए हैं, और 30 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये आपके सामने ये है। तो इसमें ये पूछा गया है कि कैलोरी वैल्यू से रिलेटेड है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ सर्विस, ठीक है, NHS, UK एंड US डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट शुड बी द कैलोरी इनटेक ऑफ अ एडल्ट एक्टिव मैन। नेशनल हेल्थ सर्विस, यूके और यूएस डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए। ठीक है, आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन आपके सामने, जैसे 2500 कैलोरी पहला, 1500 कैलोरी, 2000 कैलोरी और 3500 कैलोरी। कहा गया अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ सर्विस यूके डेवलपमेंट के एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के आधार पे, जो एक एडल्ट मैन एक्टिव मैन है, ठीक है, एक फिट मैन है, ठीक है, उसके लिए एक कैलोरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, प्रभात यादव, ठीक है, श्रेयस सिंह, गुड मॉर्निंग, ठीक है, नीरज कुमार यादव, गुड मॉर्निंग, सभी लोग आई है। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और आपकी स्क्रीन पे ये बताना है, ठीक है, नेशनल हेल्थ सर्विस यूके डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के बेसिस पे एक एक्टिव मैन के लिए, ठीक है, एक दिन में कितनी कैलोरी चाहिए। ठीक है, 2500 कैलोरी चाहिए, 1500 कैलोरी चाहिए, 2000 कैलोरी चाहिए, या 35, ठीक है, 100 कैलोरी चाहिए। आप अपने आंसर्स दीजिए जल्दी से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है, कि यूके हेल्थ जो सर्विस है, यूके डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू, ठीक है, उसने अपनी रिपोर्ट जो मैंने निकाली है उनके बेसिस पे एक फिट मैन को कितनी कैलोरी चाहिए एक दिन में। 2500 कैलोरी, 1500 कैलोरी, 2000 कैलोरी और 3500 कैलोरी। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेहा यादव ने कहा कि भाई ऑप्शन सी, प्रभात यादव ने कहा ऑप्शन सी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी नहीं, ये ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मेन 2000 कैलोरी कहा गया, तो यहाँ पे जो मेन पूरा ऑप्शन सी नहीं है। ठीक, इसमें जो मेन ऑप्शन है वो है 2500 कैलोरी। ठीक, ये चीज अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग कैलोरीज डिस्कस होती हैं। अलग अलग कैलोरीज डिस्कस का मतलब ये है कि जैसे हम लोग का इंडिया है, तो इंडिया के अंदर जो मेन कैलोरी है उसका डिवीजन अलग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो और क्लियर कर देगा ये चीज। अभी हम लोग ने यूके के बेस पे बात की, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन द यूनाइटेड स्टेट अमेरिकन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब यूएसए ने जो मेन है वो अपने गाइडलाइन एक स्टार्ट की, कि गाइडलाइन व्हाट शुड बी द डेली कैलोरी इनटेक ऑफ अ, ठीक है, सेडेंटरी मैन एंड द वुमेन ओवर 30 ईयर। मैन और वुमेन दोनों के लिए आपको यहाँ पे बताना है अलग अलग, और यूएसए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से कितनी कैलोरी मैन और वुमेन दोनों के लिए निश्चित की है, ठीक है, जिनकी एज 30 ईयर से ऊपर हो। ठीक है, बताएं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूएसए बेस्ड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर की गाइडलाइन के थ्रू, ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, इसके बेसिस पे वो मैन और वुमेन जिनकी एज 30 ईयर से ऊपर है उनके लिए क्या कैलोरी निश्चित की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग के देशानुसार के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन, ठीक है, कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए। ये यूएसए की गाइडलाइंस में ये क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार आया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर कमेंट करें। ठीक है, शैले सिंह ने कहा सी ऑप्शन। चलिए भाई, और कोई ऑप्शन इसमें, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रभात सिंह, प्रभात यादव ने भी कहा बिल्कुल सही आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, दोनों को बधाई हो भाई कि दोनों थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि ये जवाब इनके आंसर आ रहे हैं। नेहा यादव ने कहा कि भाई 2cc, इसका मतलब क्या है भाई, 2 बार सी है क्या, एक ही बार होगा भाई।
ठीक है, तो सी ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं तो 1600 टू 2400 कैलोरीज। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा है पुरुषों के लिए, तो 1600 पुरुषों के लिए है और 2400 कैलोरीज महिलाओं के लिए है। ये आपकी किसके, यूएसए, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गाइडलाइन के थ्रू ये चीज़ कही गई। और ये क्वेश्चन जो है वो दो बार क्वेश्चन आया है, ये 2018 में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, और ये कह सकते हैं 2015 में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक, ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि आप इसका आंसर आसानी से देंगे, क्योंकि पहले वाले जो दो क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो तो कह सकते थे कि एक कह सकते स्पेसिफिक क्वेश्चन थे, लेकिन ये आपके सामने जनरल क्वेश्चन है जिसको हम लोग ने अच्छी तरह से डिस्कस किया है, और क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग, रिपेयरिंग एंड ग्रोइंग मसल्स एंड बिल्डिंग एंटीबॉडीज, मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ते और, ठीक है, बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा आवश्यक है। बताया था कि बॉडी के अंदर वो कौन सा, जित कौन से न्यूट्रिएंट, हर एक न्यूट्रिएंट का अलग अलग कार्य होता था। बहुत सारे न्यूट्रिएंट थे हम लोग की एनर्जी, हम लोग की बॉडी के अंदर सिर्फ एनर्जी ही क्रिएट करते थे, बहुत से न्यूट्रिएंट थे जो कि हम लोग की बॉडी में मेंटेनेंस और मरम्मत का काम करते थे, बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट थे जो हम लोग की एनर्जी के अंदर उपापचय नियंत्रक का कार्य करते थे, और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट थे जो हम लोग की कह सकते हैं हेरिडिटरी मैटर या अनुवांशिक तत्व को कंट्रोल करते थे। तो वो सारे मैटर्स आप लोग ने पढ़ रखे हैं, तो इसमें आपको ये बताना है मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनने, मतलब हम लोग की बॉडी का निर्माण कर रहे हैं, हम लोग की बॉडी के अंदर कोई ना कोई चीज़ बनाने या ठीक है कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, और कौन सा न्यूट्रिएंट एलिमेंट हम लोग की बॉडी के अंदर कंस्ट्रक्शन या बनाने का काम करता था, ठीक है, कौन सा, ठीक है, शिवानी सिंह ने कहा कैल्शियम, ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया कि भाई, ठीक है, शैलेश सिंह ने भी कहा डी 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 डी, मतलब यही डी होगा, प्रभात यादव ने ए कहा, ठीक है, फिर उसके बाद ऋतु ऋतु शर्मा ने, ठीक है, डी, ठीक है, सेकंड डी, फिर उसके बाद नीरज कुमार यादव ने प्रोटीन कहा, नेहा यादव ने डी ऑप्शन कहा, ठीक है। चलिए भाई, सबको ये ध्यान रखना चाहिए, बेसिक चीज़ बताया था वो कौन सा हम लोग के पास न्यूट्रिएंट एलिमेंट है जो हम लोग की बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, बॉडी मेंटेनेंस के लिए या शरीर की मरम्मत के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है, वो और कोई नहीं है, वो है प्रोटीन, ठीक है। तो आंसर जितने लोगों ने यहाँ पे प्रोटीन दिया वो सही है, लेकिन भाई प्रोटीन बहुत ही कम लोगों ने आंसर दिया, ठीक है, बाकी सब लोगों ने लग रहा रिवीजन सही से नहीं किया है। रिवीजन करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं तीन बार पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आप तभी क्रैक कर पाएंगे जब जितना भी आपने, ठीक है, उनका पूरा जनरल पढ़ा हो, उनकी पूरी वर्किंग, उनकी पूरी चीज़ें जो आपने पढ़ी हो, तभी वो आप कर पाएंगे, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगर देखते हैं स्क्रीन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो आपके सामने क्या है, ये चीज़ है, वेयर इन आवर बॉडी डज द 90% ऑफ आवर टोटल न्यूट्रिएंट एंड मिनरल एब्जॉर्ब्ड टेक प्लेस। हमारे शरीर के कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप, ठीक है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम लोग के शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, उनको छोटे फॉर्म में जो ब्रेक डाउन करते हैं, लास्ट में किस बॉडी ऑर्गन के थ्रू वो हम लोग के शरीर में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ये हम लोग ने अच्छी तरह से पूरा पढ़ा था डाइजेशन सिस्टम में। तो देखिए डाइजेशन सिस्टम का भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है, बताइए, ठीक है, आंसर कहा कि भाई स्वास्तिक कुशवाहा का कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन, नीरज कुमार यादव ने भी ऑप्शन डी बोला है, ठीक है, प्रभात यादव ने भी शायद डी ऑप्शन बोला है, ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्वास्तिक कुशवाहा ने भी स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल सभी लोगों के आंसर सही है, यहाँ पर सभी लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि जो पोषक तत्व होते हैं वो
एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है भाई, अच्छी तरह से सही है, मतलब ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आप लोग को मालूम था, अच्छी बात है। ठीक है, और मेहनत करते रहे और वर्क करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बॉडीज लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, ठीक है, तो किडनी है, पेट है, जिगर है या फेफड़ा लीवर। तो किडनी, पेट, जिगर या लीवर। तो कहा गया कि भाई एंजल ऐश्वर ने कहा कि हाँ भाई लेट आए आप, गुड मॉर्निंग, चलिए आंसर दीजिए एंजल, लीवर। चलिए, स्वास्थ्य कुशवाहा ने कहा लीवर, ठीक है, रितु शर्मा सी ऑप्शन, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग की बॉडी का जो मेन सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं इस पे, मतलब इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन जो है वो कौन सा है? लीवर। ठीक है, सबके आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आप लोग घर पे रहकर थोड़ा पढ़ाई पर भी कंसंट्रेट कर रहे। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। हम लोग की बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? द बिगेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ठीक है, तो हम लोग की बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी? द बिगेस्ट ग्लैंड। हम लोग की बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वो भी लीवर है। ठीक है, ये चीज। और हम लोग की बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? द बिगेस्ट बोन इन आवर बॉडी। बता सकते हैं जितने भी लोग हैं, हम लोग की बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ठीक है, एंजल ऐश्वर्य, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है, द बिगेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज लीवर। ठीक है, तो लीवर है। हाँ, क्वेश्चन पूछा कि हम लोग की बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी, द बिगेस्ट बोन इन आवर बॉडी कौन सी है? फीमर। बिल्कुल सही है। ठीक है, कहाँ पर होती है? जांग में होती है फीमर। और हम लोग की बॉडी की सबसे छोटी हड्डी, द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, वो कौन सी होगी? हम लोग की बॉडी की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होती है स्टेपीज, जो कि हम लोग के कह सकते हैं मिडिल ईयर में होती है। स्टेपीज जो होती है वो हम लोग की मिडिल ईयर में होती है। ठीक है, ये चीज। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन देते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ द फूड शुड प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी इन अ बैलेंस्ड डाइट? संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? बताया था, ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से जो मेन एनर्जी, जो मेन कह सकते हैं कि हम लोग लेते हैं बैलेंस डाइट, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किससे रिलीज होती है? ठीक है, बताएं भाई। तो मेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? विच कंपोनेंट ऑफ बॉडी शुड प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी इन अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट में सबसे अधिक जो मेन एनर्जी प्रोवाइड होती है वो किससे प्रोवाइड होती है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी। क्या बात है भाई, सब लोग लग रहा मेहनत कर रहे हैं भाई। बताएं भाई, ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन, सबके ऑप्शन डी आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई जो मीन सबके ऑप्शन, जो जितने लोगों को डी आ रहे हैं, सबके ऑप्शन जो डी हैं, वो जो ऑप्शन डी है वो गलत हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमने मेन बात की थी, डी ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिलीज 4.2 कैलोरी एनर्जी। और वहीं पे अगर हम बात करें, 1 ग्राम ऑफ फैट और लिपिड रिलीज 9.2 किलो कैलोरी, ये अच्छी तरह से हमने बताया है। ठीक है, इसको आप अपने नोट्स में या वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं कि इसको अच्छी तरह से बताया है कि कौन सबसे ज्यादा एनर्जी। ठीक है, हाँ, अब सबके आंसर लिपिड जाएंगे तो भाई, ठीक है, ये नहीं कि एक दो आंसर सही हो गए तो ठीक है केयरलेस हो जाए, तो उस पर आप लोग देखें। ठीक है, फिर उसके बाद एंजल ऐश्वर्य, हाँ ठीक है, लिपिड, हाँ आप सबके आंसर लिपिड आने हैं भाई, लेकिन भाई पहले आंसर दीजिए, तब उसके बाद आंसर। ठीक है, अभी उसके पहले जितने लोगों के भी आंसर थे, सबके आंसर डी आ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट।
ठीक है, नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फूड कंपोनेंट हैज द हाईएस्ट ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू? कौन से फूड कंपोनेंट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होती है, या कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरोफिक मान सर्वाधिक होता है, मतलब टोटल कैलोरोफिक एनर्जी सब में किस में सबसे ज्यादा होती है? तो टोटल कैलोरोफिक एनर्जी, जिसमें एनर्जी ज्यादा है उसमें कैलोरोफिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, जिसमें एनर्जी ज्यादा है उसमें कैलोरोफिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कैलोरोफिक एनर्जी मतलब फैट में ही सर्वाधिक होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फूड इंड्यूस्ड अ डिसऑर्डर नोन एज क्वाशरकोर? ठीक है, मतलब कहा गया कि क्वाशरकोर, ठीक है, मतलब किसकी कमी से क्वाशरकोर नामक विकार उत्पन्न होता है? ये जो क्वाशरकोर होता है ये किसकी कमी से होता है? डिफिशियंसी ऑफ विच, ठीक है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट क्वाशरकोर अफेक्टेड, प्रोटीन, स्वास्थ्य कुशवाहा ने कहा कि प्रोटीन, ठीक है, चलिए ऋतु शर्मा ने प्रोटीन, प्रभात यादव ऑप्शन डी है, फैट बोल रहे हैं, और लोग बताएं भाई क्या आंसर होगा कि क्वाशरकोर किसकी डिफिशियंसी से अफेक्टेड होता है? ठीक है, एंजल ऐश्वर्य बी ऑप्शन, ठीक है, फिर उसके प्रभात यादव बी ऑप्शन, फिर उसके बाद हाँ शिवानी सिंह प्रोटीन। अच्छा, तो आंसर बिल्कुल सही है कि भाई जो किस मतलब न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की डिफिशियंसी से क्वाशरकोर होता है वो होता है आपका प्रोटीन से। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्वाशरकोर मतलब व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द क्वाशरकोर? क्वाशरकोर के मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? ठीक है, या फिर क्वाशरकोर डिफिशियंसी हम लोग कैसे, ठीक है, डायग्नोस करेंगे कि हाँ ये क्वाशरकोर डिसीज है? ठीक है, व्हाट इज द मेन सिम्टम्स ऑफ क्वाशरकोर? ठीक है, या हम लोग क्वाशरकोर को कैसे डायग्नोस करेंगे? तो देखिए क्वाशरकोर की मेन जो मेन डिफिशियंसी की सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहला सिम्टम्स क्या है कि जो मेन हम लोग का डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो पूरा वीक हो जाता है और जो पेट होता है वो निकल जाता है, मतलब बॉडी फूल जाती है, सिर्फ पेट निकलता है, हाथ पैर नहीं फूलते। ठीक है, ये मेन इसका सिम्टम्स होता है क्वाशरकोर के। ठीक है, ये चीज। हाँ, सोयाबीन इज रिच इन, सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और सबके आंसर इसमें आने चाहिए। सोयाबीन इज रिच इन, सोयाबीन में क्या पाया जाता है भाई, बताएं, जल्दी बताएं आंसर्स। भाई ये तो सभी लोगों को मालूम होगा। ठीक है, हाँ, प्रोटीन ए, प्रोटीन ए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आपसे एक क्वेश्चन और है कि जैसे सोयाबीन में तो सभी लोगों ने बता दिया कि जो मेन हमारे पास प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन जो होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कहा गया तो कुछ नहीं, तो 40% प्रोटीन आर फाउंड इन द सोयाबीन, सोयाबीन जो मेन होता है उसमें 40% प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सोयाबीन से ही अगर देखें, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक और अगर हम दूसरे सब्सटेंस का नाम लें या दूसरे फल का नाम लें, जैसे केला हो गया, ठीक है, बनाना, बनाना में कौन सा न्यूट्रिएंट एलिमेंट पाया जाता है? विच न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज फाउंड इन बनाना रिचली? ठीक है, या बनाना इज रिच इन विच न्यूट्रिएंट एलिमेंट? ठीक है, केले में कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है, बता सकता है कोई? केले में कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? सिंपल क्वेश्चन है, फाइबर। अच्छा, ठीक है, और ये भी हमने अपनी क्लास में अच्छी तरह से बताया और जब इसका डिस्कशन करेंगे तो सब कहेंगे हाँ सर ये बताया है। बताइए केले में कौन सा पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन आंसर्स एंजल ऐश्वर्य फाइबर,
ठीक है, फिर उसके बाद प्रभात यादव कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फिर उसके बाद सुरेश निगम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, हमने ये एक चीज़ बताई थी कि सभी मीठे फल में कौन सी शर्करा या कौन सी शुगर पाई जाती है, सभी मीठे फलों में कौन सी शर्करा या कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, तो वो पाई जाती थी फ्रक्टोज पाई जाती है। तो बनाना जो है वो भी एक मीठा फल है, तो बनाना में भी क्या होगा, फ्रक्टोज होगा, और फ्रक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये चीज हो गई। ठीक, दूसरी बात क्या है, बनाना में एक मिनरल रिच भी होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस। ठीक है, तो बनाना में फ्रक्टोज प्लस फॉस्फोरस दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, फ्रक्टोज और फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज लैक्टोज इन टॉलरेंस, लैक्टोज इन टॉलरेंस से क्या आप समझते हैं। ठीक है, श्रेयस निगम डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड नहीं है भाई, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज जो थी वो मोनोसेक्राइड है भाई। ठीक है, डाइसेक्राइड किस बेसिस पे आपने कहा ये आप चेक करिए। ठीक है, ये चीज यहां पे जो मेन दूसरा क्वेश्चन है कि भाई लैक्टोज, ठीक है, इनटॉलरेंस क्या है, लैक्टोज इनटॉलरेंस क्या है। ठीक है, तो लैक्टोज इनटॉलरेंस के लिए देखिए आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। इट इज अ कंडीशन इन विच द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अनएबल टू, ठीक है, ब्रेक डाउन द शुगर फाउंड इन द डेयरी प्रोडक्ट। इट इज अ कंडीशन इन विच द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अनएबल टू ब्रेक डाउन द शुगर फाउंड इन द डेयरी प्रोडक्ट। ऐसी स्थिति जहां छोटी, ठीक है, अंतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती हैं। दूसरा ऑप्शन है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एडवर्स रिएक्शन ऑफ, ठीक है, ग्लूटेन, ग्लूटेन के प्रति विपरीत प्रतिक्रियाओं, प्रतिक्रियाएं, ठीक है, इसकी विशेषता होती है। इट इज कंडीशन वेयर बाय फ्रक्टोज इज नॉट एफिशिएंटली एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड। ऐसी स्थिति जहां पे फ्रक्टोज रुधिर में पूरी तरह से सोख नहीं लिया जाता। एंड इट इज अ कंडीशन इन विच द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अनएबल टू ब्रोक डाउन, ठीक है, ग्लूटीन। ऐसी स्थिति जहां छोटी अंतड़ियां ग्लूटोन को तोड़ नहीं पाती। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, श्रेयस निगम, ठीक है, एंजल ईश्वर ने कहा कि भाई ए, प्रभात यादव ने ए, ठीक है, शैलेश सिंह ने ए, ठीक है, और शिवानी सिंह ने डी या फिर ए। चलिए, मतलब मोस्टली आप लोग में से जो भी हो वो कह रहे हैं कि भाई ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अगर इसकी आंसर्स की बात करें, ठीक है, ये सबसे मतलब पहले ही आंसर्स आपने मतलब पहला ही टाइप का ये क्वेश्चन देखा होगा जो थोड़ा सा अलग है, तो इसका ऑप्शन सीधे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका ऑप्शन जो है वो ए है। ठीक है, जितने लोगों ने भी ए जवाब दिया सही है। हाँ, इससे डजेंट मैटर कि भाई ये तुक्का है या फिर इन्होंने कहीं पढ़ा है, कहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, और तुक्का है तो और अच्छी बात है कि तुक्का बहुत ही अच्छी तरह से लगता है आप लोगों का। ठीक है, और कहीं पढ़ा है तो और अच्छी बात है। चलिए, कहा गया कि इट इज अ कंडीशन इन विच द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अनएबल टू ब्रेक डाउन द शुगर फाउंड इन द डेयरी प्रोडक्ट। एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां पे जो आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हम लोग की, छोटी आंत होती है, वो दूध उत्पादनों में मौजूद शर्करा को तोड़ नहीं पाती। और ये कंडीशन जब जो मेन बच्चे होते हैं, बच्चों में तो ये कह सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से विकसित होता है कि भाई ये होता है, जैसे जैसे बच्चों से हम लोग बढ़ते जाते हैं ग्रोथ एज होती जाती है, और कह सकते हैं कि जैसे, ठीक है, दूध से शर्करा को जो हम लोग को तोड़ना मुश्किल कब होता है, जब हम लोग अबव 45 ईयर्स ऑफ एज क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये चीज़ क्योंकि हम लोग के अंदर जो एक एंजाइम होता है रेनिन, ठीक है, वो कह सकते हैं कि बताया था, ठीक है, 5 to 8 ईयर्स में बनता है, उसके बाद ये बनना बंद कर देता है। ठीक,
ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं कि भाई आपके सामने जो ऑप्शन है, सिलेक्ट द विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर इन विच द मेजर सिम्टम्स आर डार्क रेड पैचेस दैट अकर ऑन द फेस, नेक, हेड, क्लेव एंड फीट। मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सी डिसीज़ है जिस डिसीज़ के जो मेन सिम्टम्स है, ठीक है, निम्न कौन सा उस विटामिन की कमी से उत्पन्न विकार, ठीक है, चयन करें, जहाँ पे मुंह, गले, पैर व निचले हिस्से एवं पैरों के पंजों में लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक, ये चीज़ मतलब पूरा का एक चकत्ता, चकत्ता जो एक तरह से बोलते हैं एक नॉर्मल भाषा में, ठीक है, वो पूरा का पूरा उभर आना। ठीक है, ये अच्छी तरह से बताया था कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, हालांकि बहुत से लोगों के आंसर ए ऑप्शन आया, बी ऑप्शन आया, बैरी बैरी आया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का आंसर नहीं मालूम तो कैसे निकालना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे इसमें आपको देखें तो पेलाग्रा है, बैरी बैरी है, स्कर्वी है और रतौंधी है। तो इसमें अगर हम बात करें कि पेलाग्रा है, बैरी बैरी है, स्कर्वी है और रतौंधी है, तो इसमें सबसे पहले रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस तो ये बिल्कुल हो नहीं सकती, क्योंकि दिस डिसीज रिलेटेड टू द, ठीक है, आई, ठीक है, और स्कर्वी जो होती है वो हम लोग की कह सकते हैं स्किन डिसीज होती है, तो ऑप्शन सी भी चला गया। और बैरी बैरी जो होती थी, ये आपको शायद ध्यान होगा, ये बैरी बैरी जो होती है हम लोग की डाइजेस्टिव सिस्टम को लूज करती थी, और ये पॉलिश कृत जो चावल होते थे उनका सेवन करने से होती, ठीक है, व्हेन वी यूज्ड द पॉलिश राइस इन अवर डेली मील। तो इसका मतलब हमारे ऑप्शन, देखे हमने एक मतलब दूसरा एक मेथड क्या लगाया कि हमें ऑप्शन नहीं आते थे कि क्या है, तो हमने क्या इसको हमने सारे ऑप्शन में कौन कौन से नेगलेक्ट किए जा सकते हैं उनको हमने लेके चले, नाइट ब्लाइंडनेस कट गया है, स्कर्वी कट गया है, बैरी बैरी कट गया, तो ऑप्शन बचा कौन सा, ठीक है, पेलेग्राम, ठीक है, तो पेलेग्राम में ही ये डिसीज ऐसी होती है, तो ऑप्शन आपका ये होगा। ठीक, फिर उसके बाद अगर बात करते हैं, ठीक, नेक्स्ट, और नेक्स्ट की जो मेन क्वेश्चन है ये आप देख सकते हो, ठीक, द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन चिल्ड्रन कॉज आर रिकेट्स। अच्छी तरह से बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, किस विटामिन की डिफिशियंसी से, ठीक है, सूखा रोग या रिकेट रोग होता है। ये पूरा एक विटामिन का चार्ट हम लोग ने बनाकर अच्छी तरह से दिखा था, ठीक है, सूखा रोग या रिकेट रोग किसकी कमी से होता है भाई। सबके ऑप्शन अच्छी, ठीक है, एंजल, ऐश्वर्य, प्रभात, ठीक है, सबके ऑप्शन जो आ रहे हैं विटामिन डी आ रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो सबके ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन भाई हाँ विटामिन डी ऑप्शन बी, भाई ऑप्शन बी, नेहा यादव कहाँ ऑप्शन बी है भाई। ठीक है, तो आंसर इसका जो होगा वो होगा विटामिन डी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड अगर पूछे कि विटामिन डी हम लोग के शरीर में कहाँ पर स्टोर रहता है, इन विच ऑर्गेन द विटामिन डी इज स्टोर्ड इन अवर बॉडी। तो यहीं से अगर क्वेश्चन किया पूछा कि विटामिन डी हम लोग के शरीर में कहाँ पे स्टोर रखा है या स्टोर रहता है, अभी हम लोग ने इसको अच्छी तरह से क्लियर किया था पिछले ही टर्न में। तो पिछले टर्न का ही ये क्वेश्चन है कि हम लोग के शरीर में विटामिन डी कौन से ऑर्गन में स्टोर रहता है, बताइए। हाँ, स्किन में स्टोर रहता है, ठीक है, स्किन, बहुत सही भाई, तैयारी लग रहा है, तगड़ी चल रही है, लेकिन गलत डायरेक्शन में चल रही है, स्किन आंसर नहीं है, अब बताइए, और ये पिछले ही टर्न में पढ़ा है। विटामिन डी हम लोग के शरीर में हम लोग की सबसे जो बिगेस्ट ग्लैंड है मतलब लीवर, इसमें स्टोर रहता है, ठीक है, तो लीवर में स्टोर रहता है, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ब्लड कॉगुलेशन इम्पेयरमेंट्स आइड्स कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है, कहा गया रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी से होता है। मतलब जब रक्त स्कंदन विकार, मतलब क्या आता है कि जब कोई भी कहीं पे घाव पड़ गया या कहीं पे चोट या वाउंड आ गया, तो उस टाइम जो जो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ठीक है, इसको हम लोग जो मेन बोलते हैं, ठीक है, तो ये किसकी डिफिशियंसी से होता है, ठीक है, ब्लड कॉगुलेशन इम्प्रिंट, ठीक है, कॉज
कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ये किसकी डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, तो हम लोग तो जानते हैं कि रक्त का जो मेन थक्का पाता है वो अगर हम लोग की बॉडी के अंदर विटामिन के होता है, तो विटामिन के जब हम लोग की बॉडी के अंदर रिच होता है तो उससे हम लोग को ब्लड का थक्का बन जाता है, और जब ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है, ठीक है, तब वो हमारे पास कौन सा ऐसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सबके बी आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, फिलोक्विनिन। ठीक है, तो फिलोक्विनिन जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं रुधिर स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है। ठीक है, फिलोक्विनिन। ठीक है, फिलोक्विनिन जो हम लोग कह सकते हैं कि भाई विटामिन जो मेन के होता था इसको हम लोग ने नेप्था क्विनोन पढ़ा था, तो नेप्था क्विनोन का ही दूसरा नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है, तो नेप्था क्विनोन जो विटामिन के है इसी का ही दूसरा नाम है फिलोक्विनोन, तो फिलोक्विनोन भी बोलते हैं और हम लोग कहीं इसको नेप्था क्विनोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंजेस आर रिच सोर्स ऑफ, नारंगी प्रचुर स्रोत हैं, तो नारंगी या ऑरेंजेस जो हैं वो किसके प्रचुर स्रोत है, नारंगी या ऑरेंजेस जो हैं वो किसके प्रचुर स्रोत हैं, सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका ऑप्शन कि ऑरेंजेस जो हैं या नारंगी जो हैं वो किसके प्रचुर स्रोत हैं। ऑप्शन डी, चलिए प्रभास ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ ऋतु शर्मा विटामिन, शैलेश सिंह एफ। ठीक है, शैलेश सिंह एफ, एफ मींस क्या, फैट। ठीक है, नीरज, नीरज कुमार ऑप्शन डी विटामिन। ठीक है, शैलेश सिंह ऑप्शन डी, शिवानी सिंह 14 विटामिन सी। ठीक है, चलिए सभी के आंसर लगभग आ गए, तो आंसर यहाँ पे जो है वो विटामिन है। चलिए ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये बताइए कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी जो होता है जितने भी हम लोग के सिट्रिक फ्रूट होते हैं मतलब खट्टे फल, तो खट्टे फलों का जो मेन सोर्स होता है वो विटामिन सी होता है। ठीक है, चलिए सबके आंसर लगभग सही रहे, चलिए सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बात करते हैं तो ये भी आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। द विटामिन दैट इज फाउंड इन द सिट्रिक फूड, अभी हम लोग ने डिस्कस किया। ठीक है, वो विटामिन जो नींबू और संतरों, ठीक है, जैसे खट्टे फल, तो अभी हम लोग ने इसका हिंट भी पूरा देख लिया, तो विटामिन सी ही है। ठीक है, चलिए विटामिन सी की अगर बात करते हैं खट्टे फल। अच्छा दूसरी बात अगर ये बात करें, यही विटामिन सी जो बार बार आ रहा है, व्हाट इज द मेन वर्किंग ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का प्रमुख कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन वर्किंग ऑफ द विटामिन सी, विटामिन सी का प्रमुख कार्य क्या है, बता सकता है कोई। हाँ चलिए ये ऑप्शन तो सबको मिल गया, विटामिन सी है, अभी पिछले ही ऑप्शन में डिस्कस किया। हमारा एक इसी से एक मतलब मिलता जुलता एडिशनल क्वेश्चन है कि विटामिन सी का मेन कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन वर्किंग ऑफ द विटामिन सी। ठीक है, अच्छा एंजल एश्वरन का इम्यूनिटी। ठीक है, चलिए ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद आईज साइड को मजबूत रखता है, प्रभास फैन क्लब। ठीक है, शिवानी सिंह ने कहा कि इम्यूनिटी सिस्टम को सही करता है। ठीक है, अच्छा चलिए आंसर इसका देते हैं, तो इसका आंसर है बिल्कुल सही बात है कि पहला तो वर्क है कि ठीक है कि हम लोग की बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी को ग्रो, ठीक है, कंट्रोल करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एक और वर्क है कि हम लोग के जो भी वाउल्स होते हैं, घाव होते हैं, घावों को भरने में सहायक होता है। ठीक है, इट हेल्पफुल, ठीक है, टू फुलफिल द वाउंड्स, तो वाउंड्स और घाव को जो होते हैं इनको भरने में सहायक होता है विटामिन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन, ठीक है, बी टू। ठीक है, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम अच्छी तरह से मालूम है। ठीक है, तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है, ऑप्शन बी, चलिए ठीक है, रेतु शर्मा ऑप्शन डी, अच्छा चलिए, शिवानी सिंह ठीक है, डेड्री फेलविन ठीक है, ऑप्शन डी रैंकर्स चॉइस। ठीक है, आधे से ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूज हैं थायमिन और राइबोफ्लाविन में, थायमिन और राइबोफ्लाविन में। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब बी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें,
ठीक है, उसमें हम लोग देखते थे विटामिन B1, B2, ठीक है, फिर उसके बाद B3, B5 देखते थे। तो यहाँ पे मेनली कंफ्यूजन होता है कि भाई क्या है। तो B1 जो होता था वो है, ठीक है, थायमिन। B2 जो होता था, ठीक है, वो होता था रेटिनॉल, ठीक है। फिर उसके बाद B3 जो होता था निकोटेनिक एसिड, और B5 जो होता था वो पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन विटामिन B2 की बात की गई है, तो B2 का जो मेन ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, ठीक है, B2 का ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका रेटिनॉल, और B1 का जो ऑप्शन होगा वो होगा थायमिन, फिर B3 का ऑप्शन निकोटेनिक एसिड और पेंटाथोनिक एसिड B5। तो ये हो गया B1, B2, B3 और B5। एक चीज हमने पहले भी बताई थी, आज का जो मेन सिनेरियो है वो आज का सिनेरियो ये नहीं पूछा जाता कि कौन से फल में या कौन सी सब्जी में मेनली विटामिन होता है। आज का सिनेरियो विटामिन के अंदर जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन सी विटामिन से कौन सी डिफिशियंसी होगी और कौन सी विटामिन का कौन सा केमिकल नेम होगा। ये दो क्वेश्चंस तो आपको मस्ट हैं कि आपको ये करने ही करने, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं द डिसीज, ठीक है, स्कर्व अकर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन द ह्यूमन, ठीक है। कहा गया कि जो स्कर्वी होती है डिसीज, ठीक है, वो किसकी विटामिन की कमी से होती है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अच्छी तरह से अभी हम लोग ने इसको डिस्कस किया, ठीक है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, अभी अभी हम लोग ने डिस्कस किया। विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी, सबके ही आंसर सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है कि स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है, ये चीज विटामिन सी। और ये विटामिन सी जो स्कर्वी रोग है, ठीक है, स्कर्वी रोग हम लोग के बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करता है अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, विच पार्ट अफेक्टेड बाय द स्कर्वी डिसीज, स्कर्वी रोग हम लोग के बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करता है। स्कर्वी रोग हम लोग की बॉडी के, भाई बताइए आंसर जल्दी। शैलेश सिंह, ठीक है, सूर्य निगम, बताएं भाई, टीथ को, चलिए, और बिल्कुल सही है कि हम स्कर्वी रोग जो होता है वो हम लोग के सबसे पहले मसूड़ों को या जो गम्स होते हैं उनको इफेक्ट करता है, और मसूड़ों से खून आना, ठीक है, स्कर्वी रोग का ही एक कह सकते बीमारी का सिम्टम्स है। दूसरी बात है इम्यून सिस्टम इससे वीक हो जाएगा, ठीक है, और कह सकते कि भाई जो हम लोग की बोन्स होंगी उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन खत्म हो जाएगा, बोन्स जो होंगी वो रिजिड हो जाएंगी, जरा सा भी अगर हम लोग को ठोकर लगती है, ठीक है, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। ये स्कर्वी रोग्स के मेन सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्टोपोलिया या नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ रतौंधी, या ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस या नेक्टोपोलिया जो होती है वो किस, ठीक है, नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये कौन से विटामिन की कमी से होता है, अच्छी तरह से पढ़ा, विटामिन ए, ठीक है, एंजल ऐश्वर्य विटामिन ए, ठीक है, शिवानी सिंह विटामिन ए, तो विटामिन ए, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, विटामिन ए, ठीक है, सभी लोगों का आंसर विटामिन ए है, बिल्कुल सही है। अच्छा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ अ विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल, सही है। अच्छा, हम लोग की बॉडी के अंदर जितने भी लोगों के आंसर रेटिनॉल आ रहे हैं, नेहा यादव, रितु शर्मा, ठीक है, रैंकर्स चॉइस, रेटिनॉल, सभी का आंसर सही है, बिल्कुल। अच्छा, इन विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी द विटामिन ए इज स्टोर्ड, हम लोग की बॉडी के कौन से ऑर्गन में विटामिन ए स्टोर रहता है, इसको भी हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा, इन विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड, हम लोग की बॉडी में विटामिन ए कहाँ पे स्टोर रहता है, लीवर में स्टोर रहता है। विटामिन ए, विटामिन डी,
आयरन ये सब हम लोग के लीवर में स्टोर रहता है। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी, क्वेश्चन नंबर 19 कि भाई स्कर्वी रोग, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो मेन होगा वो सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 स्कर्वी रोग, ये फिर से एक रिपीट हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। विच ऑफ द विटामिन इज नॉट, ठीक है, इज नॉट फैट सॉलिबल, इसमें कौन सा विटामिन जो है वो फैट सॉलिबल नहीं है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक है। तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक है। विटामिन दो तरह के होते थे, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील, और यहाँ पे नॉट फैट सोलिबल पूछा गया है, मतलब जो जल में घुलनशील है, ठीक है। तो जो जल में घुलनशील है वो कौन कौन से होते थे, जो वाटर में वाटर सोलिबल होते थे वो होता था बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये दोनों दे आर डिजॉल्व इन वाटर, और फिर उसके बाद आपका ए डी ई के, ये दे आर डिजॉल्व इन, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और फैट सॉल्युबल कंपाउंड, ठीक है। ये आपके फैट या ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिजॉल्व है। दूसरा हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां पे अगर कभी कभी शायद ऐसा, हालांकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बोलना भूलना नहीं चाहिए, अगर आपको ये मालूम करना है कि भाई फैट में कौन सॉल्युबल है, तो ए डी ई के को उल्टा पढ़ लीजिए KEDA, कीड़ा। तो भाई जो कीड़ा होगा वो फैट में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो कीड़ा इससे ध्यान रख सकते हैं, या ADE के, सिंपल है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन जो भी होने चाहिए वो क्या है, ऑप्शन, ठीक है, डी, मतलब विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ठीक है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, ठीक है। गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत, तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, विटामिन सी अभी बताया कि इज फाउंड इन द सिट्रिक फ्रूट, जो जितने भी खट्टे फल हैं, तो आपको सिर्फ इसमें इतना करना है कि इसमें कौन सा खट्टा फल है, ठीक है, कौन सा खट्टा फल है ये बताइए, आंवला, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो एक खट्टा फल है आंवला, और आंवला इज अ गुड सोर्स ऑफ द विटामिन सी, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा, सबसे उत्तम स्रोत या सोर्स है, ठीक है, विटामिन सी। तो सभी के ऑप्शन जो, सभी के आंसर्स जो आए हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रभात यादव, नीरज कुमार, एंजल ऐश्वर्य, शैलेश सिंह, ठीक है, सबके आंसर सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज रिकेट्स, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट है कि रिकेट जो डिफिशियंसी है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होती है, ठीक है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होती है। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट होती है, तो रिकेट डिसीज जो होती थी वो किसकी कमी से होती थी, विटामिन, शिवम सिंह ने विटामिन डी कहा, प्रभात यादव ने विटामिन ए कहा। भाई विटामिन ए से तो नाइट ब्लाइंडनेस होती थी भाई, ठीक है, विटामिन ए से तो नाइट ब्लाइंडनेस होती थी, ठीक है, रितु शर्मा ए। तो ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो विटामिन डी, विटामिन डी विकेट्स, ठीक है, ये चीज होगी, ठीक। अच्छा, विटामिन डी का जो मेन सोर्स है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द विटामिन डी, बता सकते हैं विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी का जो मेन सोर्स है दैट इज अ, ठीक है, और सिंपलेस्ट सोर्स है वो है सनलाइट। तो सनलाइट जो होती है सिंपलेस्ट सोर्स है, वो मेन सोर्स है, ठीक है, ये चीज। और विटामिन डी को ही कहा जाता है इट इज द ओनली विटामिन विच इज इजली अवेलेबल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये इजली अवेलेबल होने वाला विटामिन है। क्यों? क्योंकि जहां पे सन निकलेगा वहां पे आप, ठीक है, कि बॉडी जब सन के सामने आएगी तो उससे कह सकते हैं विटामिन डी अपने आप मिल जाएगा, जिसमें आपको कहीं पर कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी पैसा खर्च नहीं करने पड़ेगा, इस वजह से इट इज इजली अवेलेबल इन ऑल द वर्ल्ड, तो वो होगा विटामिन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए जरा, विटामिन मतलब एक तरफ आपके जो मैंने पूरा स्क्रीन पे दे रखा है विटामिन से है, दूसरी तरफ जो मैंने स्क्रीन पे दे रखा है ठीक है उनके केमिकल नेम दे रखे हैं, तो आप ये बताइए कि इसमें कौन सा मैच नहीं है। ठीक है, तो शिवानी सिंह ने कहा कि 23rd का सी ऑप्शन मैच नहीं है। बिल बताए भाई, और भी नीरज कुमार यादव ऑप्शन सी। तो इसमें से अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है कि जो विटामिन डी है ठीक है, क्योंकि विटामिन डी जो है इसका जो मेन सही केमिकल नेम है ठीक है वो क्या है भाई, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का केमिकल नेम जो है वो है आपका कैल्सीफेरॉल, और बाकी सब सही है। विटामिन डी का जो मेन केमिकल नेम है वो कैल्सीफेरॉल है और बाकी सब सही है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल और बाकी सब मैच्ड है। विच केमिकल कंपाउंड इज रिलेटेड टू द विटामिन ई। ठीक है, हाँ विटामिन ई विच केमिकल कंपाउंड, तो व्हाट इज द, ठीक है विटामिन ई के संबंध में कौन सा रासायनिक पदार्थ है ठीक है, या फिर विटामिन ई का क्या रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का जो मेन रासायनिक नाम है वो क्या है। ठीक है, शिवानी सिंह ने कहा 24 का ए है, ऋतु शर्मा ने कहा 24 का ए है। ठीक है, और लोग बताएं भाई, प्रमोद कुमार ए, शैलेश सिंह ए, ठीक है प्रभात यादव ए। तो यहाँ पे जो मेन है सही है सबका बिल्कुल, कि विटामिन ई का जो मेन नाम है वो है टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल। अच्छा, व्हाट आर द मेन सोर्सेस थ्रू विच द विटामिन ई इज, ठीक है प्रोक्योर्ड इन आवर बॉडी, हम लोग के शरीर में विटामिन ई का सबसे सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। हम लोग के शरीर में विटामिन ई का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, किस सोर्स से हम लोग को विटामिन ई मिलता है या मिल पाता है। बिल्कुल सही है शिवानी सिंह, ऑयल एंड वीट्स, जो भी वीट होंगे ऑयल होंगे इन सब से ठीक है विटामिन ई जो होगा इनमें एनरिच्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच विटामिन हेल्प इन क्लॉटिंग द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, रुधिर के जमने या रुधिर का जिसको बोलते थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का बनने में मदद करता है, कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का बनने में मदद करता है। विच विटामिन हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। बिल्कुल सही है, ये है आपका विटामिन के। तो विटामिन के, तो विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, नेप्था क्विनोन। तो विटामिन के का केमिकल नेम नेप्था क्विनोन है और ये हेल्प करता है हम लोग की ठीक है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, कौन कौन से, ठीक है मतलब व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ द विटामिन के, विटामिन के मुख्य स्रोत क्या है, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ द विटामिन के, विटामिन के मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन के मुख्य स्रोत क्या है, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ द विटामिन के, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, हाँ सुरेश निगम ने कहा कि भाई नट्स है, ठीक है ग्रीन वेजिटेबल्स, वॉलनट, हाँ जितने भी आपके कह सकते ड्राई फ्रूट्स हैं, ऑल द ड्राई फ्रूट्स ठीक है आर एनरिच्ड ऑफ द विटामिन के। जितने भी आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ठीक है वो आपकी कह सकते हैं कि भाई जो विटामिन के हैं उसमें हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलिन एंजाइम इज रिलेटेड टू, टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइलिन एंजाइम इज रिलेटेड टू, टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है।
हाँ भाई, टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है आपके सामने है? पैनक्रियाटिक जूस आंत्रिक रस से, ठीक है, फिर उसके बाद एंट्रिक जूस जठर रस से, स्लाइवा, ठीक है, लार से, और इनमें से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे? डाइजेशन सिस्टम का ये मेन क्वेश्चन है, और डाइजेशन सिस्टम के क्वेश्चन में से ये पहला क्वेश्चन हम कह सकते हैं डाइजेशन सिस्टम के अंदर है। तो पहला दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, तो टाइलिन एंजाइम किससे संबंधित है? तो टाइलिन एंजाइम लार से संबंधित है, ठीक है, टाइलिन एंजाइम लार से संबंधित है। बता सकते हैं व्हाट इज द मेन वर्किंग ऑफ टाइलिन एंजाइम? पिछले टाइम पे हम लोग ने देखा था कि टाइलिन एंजाइम की मेन वर्किंग क्या थी। व्हाट इज द मेन वर्किंग ऑफ टाइलिन एंजाइम? टाइलिन एंजाइम का मेन वर्किंग क्या है? ठीक है, टाइलिन एंजाइम का मेन वर्किंग ये है कि ये हम लोग की बॉडी की स्टार्च को माल्टोज में चेंज करती थी, ठीक है, हम लोग की बॉडी की स्टार्च को माल्टोज में चेंज करती थी। इट ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू माल्टोज, ठीक है। तो टाइलिन एंजाइम हम लोग की लार ग्रंथि से संबंधित है, लार से या कह सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड से संबंधित है, और ये हम लोग की बॉडी की स्टार्च की को माल्टोज में चेंज करती थी, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द टीथ ग्राइंड्स फूड? इनमें से कौन से भोजन को चबाने वाले दांत कौन से, ठीक है, कौन से प्रकार के होते हैं? तो जो भोजन को चबाने वाले दांत होते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं? भोजन को चबाने वाले दांत जो होते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं, ठीक है। सुरेश निगम ने कहा कि भाई ए ऑप्शन है, मोलर है, ठीक है, और नीरज कुमार यादव ने भी मोलर ऑप्शन कहा। और आंसर्स दे भाई, भोजन को चबाने वाले दांत कौन से होते हैं हम लोग के? तो बिल्कुल, अगर ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, कि भोजन को चबाने वाले दांत जो होते हैं ये आपके मोलर होते हैं, और इनको चवर्णक भी बोलते हैं। तो चवर्णक से ही हम लोग समझ सकते हैं कि मोलर होते हैं और इनको हम लोग चवर्णक बोलते हैं, ठीक है, ये चीज। और ये कह सकते हैं कि दांत और जबड़ों के बीच में अगर देखते हैं तो तीन एक तरफ होते हैं ऊपर नीचे, और तीन एक तरफ होते हैं, ठीक है, इनका। और इनका जो मेन काम होता है कि भाई एक तरह से भोजन को, जो मेन दांत होते हैं, ठीक है, इनको चबाने का मेन काम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेन कहा गया, ठीक है, जो मेन हमारे पास इंसाइजर होते हैं, तो इंसाइजर कह सकते हैं कि आगे के जो मेन दांत होते हैं ये मेनली क्या होते हैं, भोजन को काटने का जो मेन होता है ये काम करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कह सकते हैं जो मेन कैनियन होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास कह सकते हैं कैनियन या रदना, ये हम लोग को कोई भी एक ऐसा भोजन जो कि थोड़ा सा टफ या फिर कह सकते हैं सख्त रहता है तो उसको फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जब कह सकते हैं कि अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज में ये जो मेनली मेन वर्क करते हैं, ठीक है, ये चीज। और दूध दांत जो होते हैं ये बच्चों के जन्म के पश्चात, ठीक है, 10 जोड़े निकलते हैं, और बच्चों की जैसे जैसे up to 5 years to 6 7 years ये जो मेन दांत होते हैं 10 से 10 साल तक, तो ये पूरे झड़ जाते हैं, ठीक है, ये चीज। टोटल नंबर ऑफ द टीथ प्रेजेंस इन द एडल्ट कैट, वयस्क बिल्ली में कुल कितने दांत होती हैं? बताएं भाई, टोटल नंबर ऑफ द टीथ आर फाउंड इन द एडल्ट कैट, एडल्ट कैट में कितनी टीथ होती हैं? अब कहेंगे सर ये अगर पूछा जाता हम लोग में तो हम लोग तो अपने टीथ गिन के, मतलब गिन के बता देते हैं। अब उसके लिए क्या करेंगे भाई, बिल्ली को पकड़ेंगे क्या? हाँ भाई, टोटल नंबर ऑफ द टीथ आर फाउंड इन द कैट, तो जो मेन कैट के अंदर जो मेन टोटल नंबर ऑफ टीथ रहते हैं वो होते हैं 30, ठीक है। ऑप्शन जो है वो कह सकते हैं कि 28 का सी है, तो 28 का ऑप्शन सी है, टोटल नंबर ऑफ द टीथ आर फाउंड इन द कैट इज 30। तो 30 की संख्या में ये टोटल नंबर ऑफ टीथ रहते हैं, ठीक।
विच फूड प्रोवाइड्स इमीडिएट एनर्जी, कौन सा फूड हम लोग को इमीडिएट एनर्जी देता है, ठीक है, जिसको इमीडिएट एनर्जी भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं इंस्टेंट एनर्जी। जैसे अगर कौन सा फूड हम लोग को इमीडिएट एनर्जी या इंस्टेंट एनर्जी देता है बता सकते हैं, ऑप्शन है आपके सामने, प्रोटीन है, ठीक है, बटर है, विटामिन है, ग्लूकोज है। तो प्रोटीन है, बटर है, विटामिन है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जब भी अगर कोई भी एक पर्सन सिक होता है और अगर वो कहीं पे कोई भी डॉक्टर के पास जा रहा है या हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसकी कोई भी बीमारी होगी या कोई भी डिजीज़ होगी, उसको डायग्नोस करने से पहले उसको एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देंगे। तो ग्लूकोज क्या होती है, एक ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है, ग्लूकोज, जो कि हम लोग की ब्लड के अंदर, ठीक है, एक एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी का काम करती है। तो कह सकते हैं कि हम लोग की बॉडी के अंदर जो इंस्टेंट एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, वो ग्लूकोज की होती है, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि भाई ग्लूकोज और हम लोग की बॉडी के अंदर जो शुगर प्रेजेंट रहती है वो कौन सी रहती है, जिसको हम लोग ब्लड शुगर बोलते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग की ब्लड शुगर जो हम लोग बोलते हैं वो डी ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है, डी का मतलब डी ऑक्सी ग्लूकोज, ठीक है, डी ग्लूकोज बोलते हैं, डी ऑक्सी ग्लूकोज, ठीक है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन मेक्स कोलेस्ट्रॉल बाय ब्रेकिंग डाउन फैट, इनमें से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का है और अच्छी तरह से इसको हम लोग ने करा है कि हम लोग का कौन से अंग में, ठीक है, जो वसा ब्रेक डाउन होती है या कौन से अंग में फैट का डाइजेशन होता है, आपको सिर्फ इतना बताना है। इस क्वेश्चन का जो मेन, ठीक है, एक फॉर्म है वो ये बताना है कि कौन से अंग में, कौन से बॉडी के पार्ट में फैट डाइजेस्ट होती है। तो हम लोग के कौन से पार्ट में, कौन से अंग में फैट डाइजेस्ट होती है, ठीक है, तो हम लोग के कौन से पार्ट में डाइजेस्ट होती है फैट, तो ये हम लोग के लीवर में फैट डाइजेस्ट होती है और ब्रेक डाउन होती है कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है, ये चीज। तो रितु शर्मा, लीवर आंसर बड़े लेट आया, पहले हमने वेट किया कि भाई आप लोग में से कितने लोग का आंसर आएगा, इसका आंसर किसी का जल्दी नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो विटामिन या न्यूट्रिशन पोर्शन तो आप लोग का पूरा क्लियर है, लेकिन डाइजेशन का पोर्शन आपको क्लियर नहीं है, उसको एक बार फिर से रिवाइज करिएगा और उसके बेसिस पे फिर से क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लें, ठीक है। चलिए आज के लिए, ठीक है, थैंक यू, आज की क्लास ओवर करते हैं।